आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि वर्ष 2018 में जो होलास्टक है वो कब लगेगा और उस वक्त जो है शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, सारे मांगलिक कार्य शुभ कार्य उस वक्त वर्जित होते हैं। कौन कौन से मांगलिक कार्य हैं और क्यों वर्जित होते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्ष 2018 में होलास्टक जो है वो 23 फरवरी को लगेगा और 1 मार्च 2018 तक लगा रहेगा। इस 8 दिन के समय में कोई मांगलिक कार्य, गृह प्रवेश करना वर्जित होगा। व्यक्ति को नए रोजगार और नया व्यवसाय भी नहीं शुरू करना चाहिए। इसके पीछे की कहानी हम आपको बता देते हैं। होलास्टक के समय शुभ कार्य वर्जित होता है, यह फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को लगता है। होलास्टक फिर 8 दिनों तक रहता है और सभी मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। यह दुलहंडी पर रंग खेल कर खत्म होता है। फाल्गुन शुक्ल अष्टमी पर 2 डंडे स्थापित किए जाते हैं जिनमें एक को होलिका तथा दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। प्रहलाद, इससे पूर्व स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर दिया जाता है। फिर हर दिन इसमें गोबर के उपल, लकड़ी, घास और जलने में सहायक चीजें डालकर इसे बड़ा किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि होलास्टक के दिन ही कामदेव ने शिव की तपस्या को भंग किया था। इस कारण शिव जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अपने 3रे नेत्र को अग्नि से कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि कामदेव ने देवताओं की इच्छा और उनके अच्छे के लिए शिव की तपस्या से उठाया था। कामदेव के भस्म होने से समस्त संसार शोक में डूब गया। उनकी पति रति ने शिव से विनती की कि उन्हें फिर से पुनर्जीवित कर दें। तब भोलेनाथ से द्वापर में उन्हें फिर से जीवन देने की बात कही थी। जो चीजें वर्जित हैं वो हम आपको बता देते हैं। भारतीय शुभ मुहूर्त विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक कार्य के लिए शुभ मुहूर्तों का शोधन कर उसे करने की अनुमति देता है। पर होलास्टक में जैसे गर्भाधान, विवाह, पुनस्वन, नामकरण, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, गृह प्रवेश और निर्माण, गृह शांति, हवन, यज्ञ कर्म जो होते हैं, स्नान, तेल मर्दन आदि कार्यों का सही और उपयुक्त समय निश्चित किया गया, ये सब नहीं करने चाहिए। इस प्रकार होलास्टक को ज्योतिष की दृष्टि से एक होलास्टक दोष माना जाता है जिसमें खास करके विवाह, गर्भाधान, गृह प्रवेश, निर्माण आदि शुभ कार्य वर्जित हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।